हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का जो व्लॉग है बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग होने वाला है। जैसे कि आप सबको थंबनेल में देख के पता लग गया होगा कि आज मैं आपको अपने नए बर्ड या पेट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। गाइस आज मैं लेकर आया हूँ टोटली 4 पिजन, जो मैं काफ़ी टाइम से अपने भाई का वेट कर रहा था। एक ब्रीडर भाई हमारे आसपास की, तो मैं उनको काफ़ी टाइम से बोल रखा था कि भाई कोई अच्छे पिजन्स आए तो ज़रूर बताना। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बनारस से पिजन्स मंगवाए हैं, टोटली 2 पेयर। तो गाइस आज मैं उनको लेकर आ गया हूँ फाइनली, और मैं दिखाता हूँ उनको कि वो कितने ही सुंदर पिजन्स हैं। मतलब उनकी ब्यूटी चेक करना, वाकई में बहुत ही लाजवाब पिजन्स दिए भाई ने मेरे को। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, सच कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो गाइस जल्दी से मैं लेकर आता हूँ, जब तक आप देखिए उनके सिनेमैटिक शॉट्स। सो गाइस फाइनली मैं पिजन्स लेकर आ गया हूँ। अभी मैंने इनको बेड पे रखा है क्योंकि इस टाइम पर मम्मी घर पे नहीं है, शूट का टाइम है, तो मम्मी इस टाइम बाहर होती है दूसरे कमरे में। तो इसलिए अगर जल्दी से पोटी वोटी करेंगे तो मैं साफ भी कर दूंगा। ये मैंने आपके लिए करा था क्योंकि उस साइड ले रहा था तो एंगल बढ़िया नहीं आ रहा था वीडियो का, तो ब्राइटनेस थोड़ी कम हो रही थी। और गाइस चेक करें इनकी क्वालिटी, देखिए कितने हेल्थी पिजन्स हैं इनको। वैसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको जो न्यू है पिजन्स की लाइन में। ये एक इंडियन फेंटेल्स पिजन है, इन्हें लोग मसकली के नाम से भी जानते हैं नॉर्मली, और कुछ जो पिजन्स ब्रीडिंग करते हैं, पिजन्स कीपिंग करते हैं, तो उनको पता होगा वो लखे भी लखों के नाम से जानते हैं। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें लखे बोलते हैं, बाकी इंग्लिश नेम इनका इंडियन फेंटेल है। और इनकी क्वालिटी चेक करनी हो अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको लेने हो ऐसे पिजन्स, तो इनकी क्वालिटी देखिए। इनके पैरों पर बाल होते हैं और सर पे चोटी होती है, बड़े सुंदर लगते हैं गाइस, सच बता रहा हूँ बहुत ही सुंदर होते हैं अगर आप इनको रियल में देखोगे। फ़ोटो में शायद आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। और गाइस मैंने अभी 2 पेयर लिए हैं, इन फ्यूचर अगर मेरा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा रहा तो मैं आगे और सब बहुत सारे पेयर्स लूँगा, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। रेड कलर भी आता है, ब्लैक कलर भी आता है, और ब्लैक एंड वाइट भी आता है, रेड एंड वाइट में भी आते हैं। और इनकी एक ख़ास बात है कि ये लड़ते वड़ते बहुत कम है, और इनकी जो खूबसूरती होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मतलब कितने प्यार से घूम रहे हैं, बेड पे आराम से बैठे हुए हैं, कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। अभी मैं हीरो को छोड़ूंगा, देखता हूँ किस तरह आतंक मचाने लगेगा कमरे के अंदर। तो मैं जल्दी से लेकर आता हूँ पहले हीरो को, और अपने शैडो को भी मिलवाते हैं दोनों को इनसे। तो गाइस चलिए जल्दी से लेकर आता हूँ। तो गाइस देखिए ये अपने हीरा एंड शैडो। शैडो हीरा, अब इनको छोड़ते हैं एंड हो रहे अपने पिजन्स, मस्ती कर रहे हैं, आराम से रेस्ट करते रहते हैं, कोई ज़्यादा शैतानी नहीं। आजा आजा आजा, अब इसको मिलवाते हैं ये रहे। आजा गाइस देखिए ये इनने तो कर दी पोटी, पहले जल्दी से इसको साफ करते हैं। गाइस मैंने बीच में वीडियो इसलिए कट कर दी थी क्योंकि उसने शैडो ने पोटी कर दी, तो मैं जल्दी से पहले साफ़ करी ताकि कहीं निशान ना बन जाए चादर पे। और गाइस देखिए ये रहे अपने टोटली तेरे फ्रेंड आए हैं, हीरा मिल ले यार, मेरे पास आए जा रहा है बार बार, ये तो डर रहा है। वो देखो वो रहा शैडो 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 शैडो, सबको भगा रहा है शैडो। मिल लो क्या हुआ, ये भी बच्चों की तरह रोता रहता है जैसे बच्चा रोता है। देखिए अभी क्योंकि ये प्रॉपर अडल्ट नहीं हुआ है, इसलिए भी इसकी जो आवाज़ है वो साफ नहीं हुई है जिस तरह बोलते हैं। शैडो क्या हुआ, वो भी बेचारे भी थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि अभी नए नए आए हैं, तो इनके साथ मिलना घुलना अभी बहुत कम है। और गाइस मैं इनको लेकर इसलिए आया था क्योंकि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बोला भी होगा कि मैं अपनी छत का काम करवा रहा हूँ, थोड़ा सेटअप बनवा रहा हूँ छत पे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में था काफ़ी टाइम पहले, और अब तो वो प्रॉपर बन गया है और बाकी हमारी टीम ने उसको और अच्छा बना दिया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो व्लॉग भी दिखाऊँगा ज़रूर। और गाइस अब इनकी छत पर जल्दी से ब्रीडिंग सेटअप भी तैयार करेंगे अपने बर्ड्स का। समर सीज़न में तो फिलहाल नहीं होता, विंटर सीज़न में इनकी ब्रीडिंग अच्छी होती है हर पैरेट या पिजन्स किसी की भी, क्योंकि उस टाइम ये प्रॉपर ठीक होते हैं। इस टाइम इनको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है, खाना पीना कम खाते हैं गर्मी के कारण, तो इस टाइम थोड़े इशू होते हैं, तो लोग इस टाइम पे ब्रीडिंग नहीं करवाते पिजन्स या किसी भी पैरेट की।
और बाकी इन फ्यूचर आपको वो भी दिखाएंगे। और गाइस नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी बने रहना, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा अपने छत के सेटअप की। और ये रहा अपना शेडो एंड अपना हीरा तो अपने हाथ पे बैठा पड़ा है। ये मेरे को नहीं छोड़ता है, ये मेरे पीछे पीछे आता रहता है। अब ये आ जाएगा बस मेरे पीछे। हीरा आ जा, ये आ गया अपने हाथ पे। गाइज आई होप आपको मेरे पिजन जो मैं नए लेकर आया हूँ काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। ये रहा अपना हीरा एंड शेडो। अब ये इन्हें तो बाइटिंग फिलहाल बंद कर दी है। और ये बैठा अपना हीरा, ये ऐसे ही मस्ती करता रहता है मेरे साथ। और गाइज नई वीडियो में जल्दी छत के सेटअप की लेकर आऊँगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी।